हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतिमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो कि 1,26,000 पदों पर होनी है। परमानेंट जॉब रहेगी, सभी राज्य के कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, बीएसटीसी किया है और साथ में आपने अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए, हर राज्य से जो है वो वैकेंसी आ रही है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब टीचर्स की, क्योंकि इलेक्शन होने को है 2024 में और उससे पहले जो है स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए वैकेंसी तो आएगी ही। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करते रहें, साइड में अगर कुछ वर्क कर रहे हैं तो वो भी आप साथ में करते रहें, ठीक है। वैकेंसी आपको 2024 से पहले जो है वो काफी देखने को मिलेगी। बिहार राज्य में जो है काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई, झारखंड राज्य में एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके साथ ही जो है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो है 1,26,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती की जो मोहर है वह लग चुकी है। नया शिक्षा आयोग का गठन जो लास्ट वीक में हुआ था, तो ऐसे लग रहा था कि अभी जो है विधानसभा में पता नहीं कब जो है ये पारित होगा, तो ये पारित हो गया, कल पारित हुआ और आज से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी जो है वो आप लोगों को कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो जल्द देखने को मिलेगा। ये परमानेंट जॉब रहेगी। तो यहां पर मैं बात कर रही हूं कि प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी की ही है ये केवल वैकेंसी 1,26,000। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी हो जहां बीएड वाले भी एलिजिबल कर दें और अदर स्टेट वाले जिन्होंने सीटेट किया है उनको भी एलिजिबल कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर स्टेट में जो है वहां का टैट मांगा जाता है। जैसे झारखंड में भी काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई लेकिन स्टेट टैट मांगा गया, तो वहां पर आप लोग जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहां पर जो है वो सभी कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीटीसी किया है वो भी कर पाएंगे, बीएड किया है वो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यूपी टेट आपने कर रखा है यूपी के स्टूडेंट, या सी टेट आपने कर रखा है, सेंट्रल टेट किसी भी राज्य के हैं, तो आप यहां पर जरूर फॉर्म भरें। इतनी बड़ी संख्या में जो है वो आगे वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, क्योंकि 2019 से प्रोसेस जो है यहां पर नया शिक्षा आयोग के गठन का हो रहा था जो कि लास्ट वीक हो पाया है, ठीक है। अब विधानसभा में इसको जो है वो मंजूरी मिल गई है, यानी कि प्रोसेस जो है वो अब चल रहा है, नोटिफिकेशन जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत ही जो है वो खुशी हुई है, क्योंकि यहां पर डीलेट, बीटीसी, टेट, सीटेट सभी जो है वो अभ्यर्थी यहां पर फॉर्म भर पाएंगे। काफी समय के बाद जो है यहां पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 साल इसमें जो है वो गुजर चुके हैं और अभी 2024 से पहले जो है एडवर्टीजमेंट आएगी, उसके बाद जो है वो एग्जाम कब होगा तो ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से रिलीज हो और फॉर्म जो है वो बच्चे फिल कर पाए, ताकि जो है वो तैयारी करने का जो टाइम है और जो मोटिवेशन है उनको मिल सके कि हाँ हमने फॉर्म भर दिया है, अब हम जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट जो हैं पूरे भारत के किसी भी राज्य के हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी जो है वो आपको आगे देखने को पता नहीं कब मिले। हर राज्य में स्टेट टेट जो है वही मांगा जाता है, यूपी और बिहार में जो है यहाँ पर सी टेट वालों को एलिजिबल किया है। तो चलिए, और भी कोई न्यूज आती है, नोटिफिकेशन आते हैं और भी वैकेंसी के, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियो बनते हैं तो आप तक पहुंच सकें समय पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।